नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द न्यूज लॉन्चर की इस बिहार स्पेशल चर्चा में। बिहार की राजनीति किस तरफ जा रही है और नरेंद्र मोदी के दोस्त जो अक्सर उनके साथ भी होते हैं और उनके विरोध में भी चले जाते हैं, वो 1 जून के बाद किधर जा रहे हैं। और वो तो 1 जून के बाद तय करेंगे या तय कर चुके हैं कि किधर जाना है या किधर रहना है, लेकिन उनके वोटर क्या तय कर चुके हैं कि किस गठबंधन के साथ रहना है, और क्या उनके वोटर का मिजाज इस पांचवें चरण की 5 सीटों पर स्पष्ट होने जा रहा है। सीधे चलते हैं जाने माने पत्रकार ऋषि मिश्रा जी के पास। ऋषि मिश्रा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हमारे दर्शक बहुत बेसब्री से इंतजार करते हैं आपका, और दर्शकों को हम बता दें कि ऋषि मिश्रा जी लुटियंस दिल्ली को छोड़कर लोकतंत्र में अपने अधिकारों का उपयोग करने मुजफ्फरपुर पहुंच चुके हैं। अब मतदाता की हैसियत से, एक पत्रकार की हैसियत से आपके सामने होते हैं, मतदाता की हैसियत से अपने वोट का इस्तेमाल करेंगे, अपने मत का प्रयोग करेंगे। ऋषि जी, चिराग मॉडल बनाम चिराग पासवान आपके पड़ोस की हाजीपुर सीट पर और आपकी सीट मुजफ्फरपुर, इन दोनों सीटों के बारे में आप बोलेंगे और पूरा आप डिटेल बताइए कि आपने जमीन पर क्या देखा। देखिए, जो फिफ्थ फेज में तमाम जिन सीटों पे कल वोटिंग होगी उसमें सबसे हॉट सीट हाजीपुर का है, और हाजीपुर में आप देखिए कि दोनों तरफ से जो है माइक्रो मैनेजमेंट का खेल शुरू हो चुका है। वहां वहां जोर लगाया जा रहा है, जहां जहां दोनों गठबंधन के उम्मीदवार देख रहे हैं कि वहां उनके पार्टी की तरफ से, उनके तरफ से कहीं ना कहीं वीकनेस है। मैं आपको बताऊं, चिराग पासवान, देखिए जो हम लोग हर डिबेट में इस बात की चर्चा करते हैं कि जेडीयू एलजेपी बीजेपी के पास के साथ वो केमिस्ट्री नहीं है जो केमिस्ट्री होनी चाहिए, और इसका सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल है देसरी गांव। हाजीपुर में आप जाइएगा, देसरी एक गांव है जहां पुष्पा कुर्मी बहुल एरिया है, और देसरी गांव का मूड ये बतलाता है कि वहां के आप पुष्पा समाज के लोगों से बात करें, कुर्मी समाज के लोगों से बात करें, तो वो चिराग पासवान के साथ अब कल तक क्लब होते हुए नहीं दिखे। हालांकि देसरी गांव वही गांव है जहां से उपेंद्र कुशवाहा बिलोंग करते हैं, देसरी वही गांव है जहां से उमेश कुशवाहा बिलोंग करते हैं जो जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष हैं। इसी आसपास से दोनों नेता आते हैं, जो कुशवाहा समाज के बड़े नेताओं में शुमार होते हैं। इन दोनों नेताओं को कुशवाहा समाज को मनाने का जिम्मेवारी दिया गया है, और इन दोनों नेताओं को इस आसपास के क्षेत्रों में वर्कआउट करते हुए, माइक्रो मैनेजमेंट करते हुए दिखा गया है। काउंटर में, मतलब उसके अपोजिशन में आलोक मेहता को लगाया गया है, जो कुशवाहा समाज के बड़े नेता हैं, राजद के, खुद भी वो उम्मीदवार रहे हैं, उनके क्षेत्र में वोटिंग हो चुकी है। तो आलोक मेहता को लगाया गया है ताकि शिवचंद्र राम के पक्ष में कुशवाहा मतदाताओं का जो झुकाव है वो बना रहे। दूसरी बात, बीजेपी के लिए, मतलब एनडीए के लिए परेशानी का सबब यह है एलजेपी के लिए कि रविंदर सिंह संभावित प्रत्याशी थे वैशाली से, जिनको टिकट नहीं दिया गया, और राजपूत समाज में ठीक ठाक उनकी पकड़ है, और रविंदर सिंह 3 या 4 दिन पहले एक बड़ा राजपूत समाज के बैठक बुलाए थे। तो संभावना यह है कि राजपूत समाज जो एक तरफा एलजेपी की तरफ जाता हुआ दिख रहा है या जाता हुआ दिख रहा था, हालांकि डैमेज कंट्रोल करने के लिए रामा सिंह को लगाया गया है, संजय सिंह को लगाया गया है, बीजेपी के नीरज सिंह बबलू हैं जो राजपूत समाज के बड़े नेता माने जाते हैं, उनको लगाया गया है। तो डैमेज कंट्रोल करने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन रविंदर सिंह कितना नुकसान पहुंचाते हैं ये भी एक बड़ा सवाल है। दूसरी बात कि आप जानते हैं कि हाजीपुर के यदि आप विधानसभा वाइज यदि एनालिसिस करें तो जो मुन्ना शुक्ला का जो गृह विधानसभा क्षेत्र है लालगंज, इसी हाजीपुर संसदीय क्षेत्र में आती है। तो मुन्ना शुक्ला राजद यानी महागठबंधन के उम्मीदवार वैशाली में है, तो इसके एवज में क्या भूमिहार, जो लालगंज में जो भूमिहार हैं या आसपास उन क्षेत्रों में भूमिहार हैं, क्या चिराग पासवान के विरुद्ध में जाएंगे? और एक कारण इसका यह भी है कि विनीता विजय जो संभावित उम्मीदवार लोजपा से थी, उनको टिकट नहीं दिया गया, तो भूमिहारों में इस बात का रोष है। तो कितना नुकसान होगा ये देखना होगा, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण चीज जो मेन डिबेट के सीन से गायब है, चर्चा के विषय से गायब है, एक फैक्टर 2009 में रामविलास पासवान इस क्षेत्र से हार गए थे। क्यों हारे थे?
पांच पासवान समाज के लोग निर्दलीय चुनाव लड़ गए, 37,000 के आसपास वोट काट लिया गया था जी, नहीं 37,000 के वोट से हारे थे, 44,000 वोट काट लिया गया था इन पांचों उम्मीदवार मिलके। यही हालात इस बार भी है, 7 पासवान समाज के उम्मीदवार हाजीपुर से है, 7 पासवान समाज के उम्मीदवार हैं और इस बार बहुत क्लोज फाइट है जी। इस बार जो मार्जिन होगा, आपको बता दूं हाजीपुर एक जमाने में रिकॉर्ड बनाई थी जी, वो रिकॉर्ड बहुत ही कम होते जाओ, कम होने की संभावना है, 30,000, 40,000, 20,000, 10,000 हो सकता है, 5,000 के आसपास के फासले में निर्णय हो हाजीपुर में। जो बात आप बता रहे हैं तो फिर उसमें तो नीतीश कुमार के जो कोर वोटर है उनकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है कि वो नीतीश उनको चिराग पासवान को संसद जाने देते हैं या जाने से रोक देते हैं। देखिए एक चीज और मैं बताऊं आपको, बिल्कुल आपने सही कहा, जो लवकुश समाज है वो क्लब होते हुए नहीं दिख रहा है, क्लब होते हुए नहीं दिख रहा है। और मैं आपको बताऊं पचफोरना में चौसिया, धानुक, मंडल, ये सब जो है शिवचंदर पासवान के साथ जुड़ते हुए दिख रहे हैं, शिवचंदर पासवान शिवचंदर राम के प्रति उनकी झुकाव दिखा जा रहा है। और इस एरिया में मैं अभी नोट करके रखा हूं, एक चौरसिया है, देव कुमार चौरसिया बड़े नेता है, चौरसिया समाज पे इनका बड़ा प्रभाव। तो ये ओवरऑल देखिए, मैं ये कहना चाह रहा हूँ हाजीपुर में इतना डिटेल में मैंने इसलिए बताया है क्योंकि ये हॉट सीट है, चिराग पासवान यहाँ से चुनाव हार जाते हैं तो आप समझ जाइए चिराग पासवान की राजनीति पे द इन तो नहीं कहेंगे, एक कॉमा जरूर लग जाएगा। और एक चीज मैं बताऊं, मुजफ्फरपुर हाजीपुर के लिए, जनता के लिए, तमाम उन मतदाताओं के लिए एक मैसेज है। मैं आपको चीज दिखाना चाहता हूं, आपसे भी थोड़ा रुकिएगा, मैं एक फोटो दिखाना चाहता हूं, एक किताब दिखाना चाहता हूं। ये देखिए ये कौन है, ये महेश प्रसाद सिंह, महेश प्रसाद सिन्हा है, और वैशाली में और मुजफ्फरपुर में के मतदाताओं के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। अभी मल्लिकार्जुन खड़गे आए थे तो संबोधन में कहा गया था कि महेश बाबू की धरती पर आपका स्वागत है। क्यों महेश बाबू के धरती पर स्वागत है? क्योंकि इस व्यक्ति ने वैशाली और मुजफ्फरपुर हाजीपुर के लिए जो काम किया शायद ही कोई नेता काम किया होगा। तो ऐसे नेताओं की दरकार है, चिराग पासवान को महेश बाबू की तरह काम करना होगा, चिराग पासवान को अपने पिता राम विलास पासवान की तरह काम करना होगा, चिराग पासवान को यदि वैशाली हाजीपुर के डेमोग्राफी को समझते हैं तो वीरेंद्र बाबू की तरह काम करना होगा। मैं आपको बता दूं वीरेंद्र, कल मैं परसों टाइम्स नाउ का एक प्रोग्राम करके लौट रहा था, समय लूंगा थोड़ा, आप आश्चर्य जाने, आपको आश्चर्य होगा, ड्राइवर से मैंने पूछा कि आपके क्षेत्र वो वैशाली से संबंध रख रहे थे तो आपके क्षेत्र में क्या माहौल है, बोले कि आज के नेता पे बातचीत करना ठीक नहीं लगता है। नेता होते थे महेश बाबू, नेता होते थे रविंदर सिंह, क्या कहते हैं वीरेंद्र बाबू, सॉरी नेता होते थे वीरेंद्र बाबू, बिना निमंत्रण के, उन्हें सिर्फ ये मालूम हो जाता था इस क्षेत्र में फंक्शन है, पहुंच जाते थे और ये नहीं देखते थे कुर्सी है या नहीं है, जहां मिला जगह वहीं बैठ गए। और उन्होंने कहा कि करीब करीब 100-150 ऐसे परिवार है जिनको उन्होंने सरकारी नौकरी दिया होगा। तो नेता ऐसा चाहिए हमें, और चिराग पासवान के पास तो एग्जाम्पल है राम विलास पासवान का, जिनको क्षेत्र में लोग भगवान मानते हैं जी। ऋषि जी आप अपनी लोकसभा सीट मुजफ्फरपुर का हाल बताइए, जो आप ग्राउंड जीरो पर मौजूद है अभी। मुजफ्फरपुर में देखिए, मुजफ्फरपुर में मैंने शुरू में ही कहा कि ऐसा लग रहा था कि अजय निषाद कमजोर उम्मीदवार साबित होंगे, लेकिन मुझे अब लग रहा है कि अजय निषाद लड़ाई में है और अजय निषाद के साथ एक बड़ा फैक्टर है, खुद मलाह समाज से आते हैं और मलाहों में इस बात की नाराजगी है कि अजय निषाद का टिकट काट दिया गया और इसका प्रभाव आपको हाजीपुर में भी देखने को मिल रहा है। मलाह समाज की गोलबंदी शिवचंदर पासवान की तरफ हो रही है, क्योंकि आप यदि इनका बर्थ प्लेस देखें राजे निषाद का, वो हाजीपुर से है। तो मलाह यादव और मुस्लिम की एकजुटता जो है अजय निषाद के पक्ष में है, वहीं भूमिहार वैश्य कास्त और राजपूत का झुकाव राजभूषण निषाद के पक्ष में है, लेकिन भूमिहारों में कुछ अंश डेंट कर रहे हैं अजय निषाद, क्योंकि उन पुराने नेता हैं, पुराने संबंध रहे हैं,
हर ब्लॉक, हर वार्ड, हर पंचायत में उनके आदमी हैं, तो हर समाज में थोड़ा थोड़ा वो डेंट कर रहे हैं, वेस्ट में भी डेंट कर रहे हैं। उनके लिए परेशानी का सबब मुजफ्फरपुर शहर की सीट है, मुजफ्फरपुर शहर जो विधानसभा है वो है, क्योंकि वहां जो कांग्रेस के एमएलए हैं विजेंद्र चौधरी, जो वेस्ट समाज के बड़े नेता हैं, वो बिल्कुल घर बैठ गए हैं। एक दिन मल्लिकार्जुन खड़गे के प्रोग्राम के अलावा उनको कहीं भी प्रचार में देखा नहीं गया है। और मुजफ्फरपुर शहर में यदि लीड बड़ा हो जाता है तो अजय निषाद के लिए सिरदर्द हो सकता है। मुजफ्फरपुर शहर में वो कितना मैनेज कर पाते हैं ये दिखना होगा। बाकी गायघाट, औराई, बोचहा, सकरा, कुढ़नी में कांटे की लड़ाई है। सुन तो लीजिए, सकरा, कुढ़नी, गायघाट। जी एक बात ये बताइए कि अगर मुजफ्फरपुर शहर की लीड 50,000 से कम होती है, जैसे जॉर्ज फर्नांडिस एक बार जीते थे उस दौर में, मुजफ्फरपुर शहर ने 80,000 की लीड दे दी थी और बाकी पांचों सीट पर वो पिछड़ करके 7,000 वोट से सांसद हो गए थे। अगर मुजफ्फरपुर की लीड 50,000 के अंडर में होती है तो बाकी पांच विधानसभा चुनाव के गणित के आधार पर या मुजफ्फरपुर के गणित के आधार पर आप क्या निकालते हैं, भारी अजय निषाद है या भारी राजभूषण चौधरी निषाद है? देखिए मैं एक बात बताता हूँ, औराई से शुरू करता हूँ। औराई में जितना भूमिहार है उतना ही यादव है, तो यादव का मत तो बिल्कुल इनको मिलने जा रहा है अजय निषाद को, प्लस मुसलमानों का मिल रहा है। अब भूमिहारों में भी अजय निषाद का अपना एक पारिवारिक रिलेशन, मित्रता है, तो उसमें भी कुछ डेंट करेंगे। अब आइए गायघाट, सुन लीजिए, मुजफ्फरपुर में रहते हैं भूमिहार लोग। जी गायघाट में आइए, गायघाट में मुझे लगता है अजय निषाद को क्लियर एज है, क्योंकि मलाह प्लस यादव, वहां तीन कौन है, राजपूत, यादव और मलाह और मुस्लिम, तो उसमें यदि यादव, मलाह और मुस्लिम को जोड़ दीजिए तो बड़ा समीकरण बनता है जो अजय निषाद को लीड देता है। अब आइए बोचहा, बोचहा में भी लड़ाई नेट टू नेट है, ये नहीं कह सकते हैं कि, क्योंकि बोचहा में राजद के सिटिंग एमएलए हैं अमर पासवान, जो भाई इलेक्शन में चुनाव लड़े हैं और अच्छे मार्जिन से चुनाव जीते थे, तो वहां भी मुझे लगता है नेट टू नेट फाइट है। कुढ़नी में तीन चार एंगल हैं, कुशवाहा भी हैं, मलाह भी हैं, कुशवाहा अभी वहां के विधायक हैं, अच्छा केदार गुप्ता बनिया वहां के विधायक हैं, जो मंत्री भी हैं, वैसे कौन है मनोज कुशवाहा जो उनके विरुद्ध चुनाव लड़े थे। और मैं यहाँ बताऊं, मनोज कुशवाहा बिल्कुल साइलेंट हो गए हैं, अपने क्षेत्र में एक दिन भी प्रचार नहीं किया है राजभूषण निषाद के लिए। वो अगल बगल सीटों पे जा रहे हैं, सीतामढ़ी जा रहे हैं, कई सीटों पे प्रचार कर रहे हैं, लेकिन कुढ़नी में प्रचार नहीं कर रहे हैं राजभूषण निषाद के लिए। तो ये एक सिरदर्द बना हुआ है राजभूषण निषाद के लिए कि कुढ़नी में कुशवाहा देते हैं या नहीं देते हैं, नहीं देते हैं तो बड़ा मुश्किल हो सकता है। मलाहों का झुकाव वहां पे अजय निषाद के पक्ष में, क्योंकि अनिल सैनी उससे पूर्व विधायक थे, तो ये बड़ा समीकरण। कुढ़नी में भी मुझे लगता है अजय निषाद को बहुत करीब फाइट देते हुए दिख रहे हैं। इसी तरह सकरा में हालात है, मेन सिरदर्द अजय निषाद के लिए है मुजफ्फरपुर शहर। मुजफ्फरपुर शहर में 50,000 से अधिक कम लीड होगा तो अजय निषाद चुनाव नहीं जीत पाएंगे। हालांकि जो 2019-2014 में लीड था बीजेपी को, वो लीड घट रही है। हार जीत का जो अंतर होगा 30,000-40,000-50,000 के आसपास के अंदर ही होगा। जी जी, आपने तो अपनी लोकसभा सीट का पूरा खाका ही खींच करके रख दिया। एक बहुत रोचक चीज पिछले 24-48 घंटों के दरमियान सामने आ रही है, वो है मधुबनी लोकसभा सीट। बीजेपी को बहुत उम्मीद की पोलराइजेशन होगा, लेकिन यहाँ तो उल्टा हो गया, उल्टा पोलराइजेशन सुनने को मिल रहा है कि नहीं, अपर कास्ट कह रहा है कि हम अपर कास्ट को देंगे, बड़ी संख्या में अपर कास्ट के लोग, ऊंची जातियों के लोग कह रहे हैं कि नहीं, वो ऊंची जाति से आने वाले फातमी को वोट देंगे। यादव कह रहे हैं कि अशोक यादव नहीं, हम तेजस्वी यादव को देख रहे हैं, मल्लाह मुकेश सहनी को देख रहे हैं। जब ये हालात बन गए हैं, दलित संविधान बचाने निकले हैं, तो क्या वैश्य समुदाय का वोट, जो वैश्य समुदाय का वोट है, उधर ठाकुरों की नाराजगी है कि पता नहीं योगी जी को कब हटा दिया जाएगा यूपी में, उनको यूपी की चिंता पड़ी है, राजपूतों को कि भाजपा जीत गई, मोदी जी आ गए तो योगी जी गए, सब अपने अपनी चिंता में है। और फातमी के बारे में अचानक जो हृदय परिवर्तन हुआ है, ये क्यों, कैसे होता हुआ दिखा है आपको? जनता का चिंता कौन करेगा, सब अपने अपनी चिंता तो कर रहे हैं, मैं ऐसे कह रहा हूँ लाइटे मुन, जनता का चिंता कौन करेगा। डेमोक्रेसी में तो मेन तो मालिक जनता है। बात बिल्कुल सही कहे आप, आपने बिल्कुल सही कहा है। फातमी साहब का मैथिली भाषा में जो वो जनता से अपील किए हैं, उसको आप देखिए,
कल मैं फातमी साहब का वो मैसेज देख रहा था, वीडियो मैसेज देख रहा था जो उन्होंने मैथिली भाषा में रिकॉर्ड करके जनता के बीच उन्होंने भेजा है, तो बड़ा प्रभाव है। मैं बताऊं, देखिए ये यहाँ पहली बार अशोक यादव के लिए चिंता का सबब ये, हालांकि उन्होंने योगी आदित्यनाथ से लेके अमित शाह तमाम ऐसे फाइव ब्रांड नेता से उन्होंने रोड शो करवाया, रैलियां करवाई, लेकिन जो ध्रुवीकरण के लाइन पे चुनाव लड़ना चाहते थे या लड़वाना चाहते थे वो होता हुआ नहीं दिख रहा है। मैं आपको शुरू से ही कह रहा हूं कि फातमी मोहम्मद, क्या नाम है पूरा नाम उनका, अली असरफ फातमी जी का जो कनेक्शन है, पर्सनल रिलेशन है, जो उनका व्यवहार है, और दिल्ली में जब आप उनके पास जाते होंगे या कोई लोग मदद के लिए जाते होंगे तो वह व्यक्ति 24 घंटा मदद के लिए उपलब्ध रहता हो, ऐसे लोगों को कास्ट, क्रीड और रिलीजन से ऊपर उठ के लोग मदद करते हैं, वोट करते हैं। ऋषि जी, मैं एक आंकड़ा आपके सामने रखता हूं, 17.5 लाख के करीब मतदाता है मधुबनी में, 17,40,000 के करीब वोटर बताए जाते हैं, उसमें 4.5 लाख मुसलमान हैं, 3 लाख के करीब, 3.75 लाख यादव हैं, और 1.5-2 लाख के करीब, यानी 9 से 9.5 लाख तो यही तीनों बिरादरी के वोट हैं। अब इसमें सिर्फ इन तीन बिरादरियों की ही बात करें, इसके अलावा रविदास का भी वोट इनको कुछ मिल रहा है, रविदास समाज का कुछ, भाजपा की सीट है तो कुर्मी समुदाय के लोग भी कहा जा रहा है कि वो चिराग मॉडल का बदला ले रहे हैं बीजेपी और लोजपा से, लेकिन सिर्फ इन तीन बिरादरी की ही बात करें, और अगर यादव ने अशोक यादव का साथ नहीं दिया तो मधुबनी किधर जाएगा? 17.5-17 लाख में 9 लाख 9.25 लाख यही है तीन बिरादरी। मैंने कल भी आपको कहा था कि अशोक यादव या हुकुमदेव नारायण यादव की जीत में यादवों की भूमिका महत्वपूर्ण हमेशा से रहा है, और अशोक यादव या हुकुमदेव नारायण यादव एक अच्छे मार्जिन से, हालांकि हुकुमदेव नारायण यादव 14 में बहुत कम मार्जिन से चुनाव जीते थे, लेकिन उसके बनिस्पत उनके बेटे 2019 में अच्छे मार्जिन से चुनाव जीते थे, क्योंकि यादव समाज का एक बड़ा तबका ने उनको दिल खोल कर सपोर्ट किया था। इस बार जो चुनाव जो है, मैंने शुरू में ही कहा, पोलराइजेशन या धर्म के आधार पर चुनाव नहीं हो रहा है, इसका नुकसान अशोक यादव को उठाना पड़ेगा, और मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि 90% यादव जो है इस बार फातमी जी के साथ है। और मैं एक बात और बता दूं, एक और बात बता दूं, और देखिए मैंने कल भी कहा था कि फातमी को यह आश्वासन दिया गया था जेडीयू की तरफ से कि चुनाव आप ही लड़ेंगे मधुबनी से, और इसके कारण इसलिए वो विगत 2-3 सालों से वहां मेहनत कर रहे थे, हालांकि टिकट नहीं मिला, राजद से चुनाव लड़ रहे हैं। और मैं एक बात ये भी बता दूं, आप सुनकर आश्चर्य करेंगे, ब्राह्मणों का एक धरा, ब्राह्मणों का कुछ गांव जो हैं, कुछ पंचायत जो हैं, वहां फातमी के प्रति झुकाव देखने को मिल रहा है। तो मुझे लगता है कि ये समीकरण, और यहाँ देखिए सामाजिक समीकरण अपने अपने सब फिट कर लिए हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण यहाँ ईबीसी का वोट है, पिछले अति पिछड़े का है, गैर यादव ओबीसी और ईबीसी का, उसमें जो पकड़ बना लेगा, यदि ईबीसी का ठीक ठाक मत मिलता है फातमी जी को, तो फातमी जी 1.5-2 लाख के बड़े अंतर से चुनाव जीतेंगे, और यदि उसमें 10-15% का ये डेंट करते हैं तो 50,000-60,000-70,000 के मार्जिन से चुनाव जीतेंगे, और मुझे लगता है कि मधुबनी में क्लियर एज है राजद को। जी अपने दर्शकों को एक जानकारी दे दे, अली असरफ फातमी की चर्चा चल रही है, तो UPA 1 की सरकार में अर्जुन सिंह देश के शिक्षा मंत्री थे, मानव संसाधन मंत्री, और अर्जुन सिंह के अधीन मानव संसाधन राज्य मंत्री उनके डिपार्टमेंट में उनके बतौर जूनियर मिनिस्टर अली असरफ फातमी थे। और बिहार के छात्र जो CBSE बोर्ड से पढ़ते हैं, CBSE का सेंट्रल ऑफिस केंद्रीय कार्यालय दिल्ली में है, प्रीत बिहार में सबको पता है, रीजनल ऑफिस बिहार में नहीं था, बिहार पूरा इलाहाबाद जोन में आता था, अब प्रयागराज जिसे कहते हैं, तो बिहार के छात्रों को सर्टिफिकेट के लिए या स्कूल संचालकों को या CBSE बोर्ड से पढ़ने वाले छात्रों को किसी भी काम के लिए कोई भी गड़बड़ी हो जाए, मसलन नाम में गड़बड़ी हो जाए, कुछ हो जाए, तो इलाहाबाद का चक्कर काटना पड़ता था। ये अली असरफ फातमी की ही देन है, इस मामले में उनकी मुक्त कंठ से प्रशंसा की जानी चाहिए कि अली असरफ फातमी की ही देन है कि CBSE का क्षेत्रीय कार्यालय बिहार की राजधानी पटना में खुला था।
ये अली अशरफ फातमी इसके लिए पहल किए थे, और सीबीएसई का ऋषि जी आपको याद होगा वो घटना कि बिहार में कितनी मशक्कत करनी पड़ी थी। सीबीएसई भी नहीं चाहती थी कि नए क्षेत्रीय कार्यालय बढ़ाए जाए, लेकिन पटना में कार्यालय खोला गया सीबीएसई का क्षेत्रीय कार्यालय, इलाहाबाद जोन से अलग करके एक पटना जोन बनाया गया। तो एक बहुत बड़ा काम बिहार के लिए अली अशरफ फातमी ने बिहार के छात्रों के लिए किया था। जाति धर्म पोलराइजेशन अपनी चीज है, अपनी जगह है, और उसके और उस पर जो सियासत धर्म या जाति के नाम पर होती है वो प्रोडक्टिव नहीं होती। देखिए फातमी फातमी जी का जो नेचर है ना, देखिए मैं फातमी जी के बारे में बताऊं, फातमी जी सॉफ्ट नेचर के, मतलब होता ना कि एग्रेसिव मुस्लिम चेहरा, एग्रेसिव मुस्लिम चेहरा जहां जहां की जिस पार्टी ने कहीं कहीं उम्मीदवार दिया है वहां पोलराइजेशन की संभावना होती है, लेकिन जिसका हर समाज में पकड़ हो, मधुर संबंध हो, हिंदू मुस्लिम के राजनीति से ऊपर की सोच हो, तो वहां इस प्रकार का पोलराइजेशन होने की संभावना कम होती है। दूसरी बात, अशोक यादव के प्रति एंटी इंटेंडेंसी है, कई बार से उनके परिवार ही उस क्षेत्र को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हालांकि ब्राह्मण का ठीक ठाक तबका, वैश्य समाज का ठीक ठाक तबका जो है उनके साथ अभी भी मजबूती के साथ बना हुआ है, लेकिन जो लेफ्ट का कैडर है, लेफ्ट का भी गढ़ रहा है, और लेफ्ट का जो कैडर है वो फातमी साहब के साथ है। तो लड़ाई बड़ा इंटरेस्टिंग है, लेकिन ओवरऑल एज मेरे हिसाब से, हो सकता है मैं गलत भी हूँ, हो सकता है मैं गलत हूँ, लेकिन फातमी साहब को एज है मेरे हिसाब से। जी आपने फातमी की बात की, तो बिहार में जो चर्चा चल रही है कि पांचवें चरण में एक सीट ऐसी है जहां इंडिया गठबंधन के ही दो उम्मीदवार लड़ रहे हैं, कई लोग इस बात को कह रहे हैं, मैं नहीं मानता ऐसा, लेकिन कई लोग कह रहे हैं कि इंडिया गठबंधन के दो उम्मीदवार लड़ रहे हैं। ऋषि जी राज खोल ही दीजिए, इंडिया गठबंधन के दो उम्मीदवार का चुटकुला किस सीट पर चल रहा है और क्यों चल रहा है? अरे सीतामढ़ी की चर्चा कर रहे हैं शायद आप, मैं सही हूं तो सीतामढ़ी का चर्चा कर रहे हैं, और आपने इंडिया गठबंधन के दो उम्मीदवार, यानी आप ये कहना चाहते हैं कि एक तारीख के बाद और चार तारीख के बाद, ए या तो एक तारीख के बाद या चार तारीख के बाद, मुझे लगता है चार तारीख के बाद अधिक संभावना है। आपके कहने का अर्थ है, और उसको डिकोड कर दूं दर्शकों के लिए और आसान कर दूं, कि अभिषेक जी का कहना है या जो राजनीतिक गलियारों में चर्चा है पटना से दिल्ली तक, कि लोकसभा चुनाव के नतीजे के बाद हो सकता है कि नीतीश कुमार एक कुछ नए डिसीजन ले, और इसलिए अभिषेक जी कह रहे हैं कि सीतामढ़ी में कोई भी जीते जीतेगा इंडिया गठबंधन, यदि ये इक्वेशन और ये समीकरण बनता है। कागज पर एनडीए बनाम इंडिया है, कागज पर तो एनडीए भी नहीं है, कागज पर राजद बनाम जदयू है। बिल्कुल कागज पे इंडिया बनाम एनडीए है, एनडीए से देवेश बाबू हैं और इंडिया से पूर्व सांसद पूर्व मंत्री अर्जुन राय जी हैं, लेकिन जैसा चर्चा है उस आधार पे देखे तो यहाँ इंडिया वर्सेज इंडिया ही है जमीनी स्तर पे, कोई भी जीतेगा वो इंडिया गठबंधन का उम्मीदवार जीतेगा। हालांकि वर्तमान में चुनाव का जो माहौल है, और ऐसा लग रहा है अर्जुन राय इस प्रयास में लगे हुए हैं कि चुनाव अग्रा बनाम पिछड़ा हो। और एक इंटरेस्टिंग चीज बताऊं, रून्नीसैदपुर विधानसभा क्षेत्र के एक महिला मतदाता आज हमसे मिलने आई थी, और वो ठाकुर समाज से है, नाई समाज से है, हमारे पड़ोस में वो काम करती हैं। मैंने उनसे पूछा, दीदी ये बताओ कि आपके समाज का वोट किसको पड़ेगा? तो शुरुआत में लगा कि ये लोग भूमिहार हैं, मतलब अगली जाति से हैं, तो बोले देवेश बाबू। फिर वो मैंने उनको ज्यादा खुरेचा, मतलब उनसे सवाल पे सवाल किया, तो बोले हम लोग तो लालटेन को ही देंगे, हम लोग लालटेन को ही देंगे। तो मेरे कहने का ये अर्थ है कि अर्जुन राय एक हद तक अग्रा बनाम पिछड़ा बनाने में सफल होते हुए दिख रहे हैं, और जितना ये सफल होंगे उतना राह जो है देवेश सिंह ठाकुर के लिए राह आसान नहीं होगा। नहीं मतलब एक जितने इसी जी बिहार में वो कहते हैं, कहीं गोतिया कहते हैं, कहीं पटीदारी कहते हैं, तो राजद और जदयू के बीच ये गोतिया पटीदारी वाला हिसाब है क्या कि कहीं कोई भी जीतेगा रहेगा एक ही तरफ, दोनों जनता दल से निकले हुए दो शाखाएं हैं, कभी भी चाचा भतीजा एक हो सकते हैं। तेजस्वी कह रहे हैं कि उनको आशीर्वाद प्राप्त है चाचा का, और चाचा तो खैर मत पूछिए, जहां खासकर भारतीय जनता पार्टी वाली सीट पर जहां भी जा रहे हैं प्रचार करने, वहां कहीं दे रहे हैं कि नौ नौ को बच्चा कोई पैदा करता है जी,
बताइए तो अपने कल कल जानते हैं कल कल आपने जो सवाल किया कल आपने जो सवाल किया कल बिहार के बहुत बड़ी नेत्री जो केंद्र में मिनिस्टर रही हैं उन्होंने ये सवाल किया, नाम नहीं मैं बताऊंगा, उन्होंने ये सवाल किया कि ऋषि जी आप पत्रकार हैं, ये बताइए लालू यादव के परिवार के लिए, तेजस्वी यादव के परिवार के लिए नीतीश कुमार इस प्रकार से हमला करते हैं और तेजस्वी यादव कुछ बोलते नहीं है, तो आप इसको कैसे देखते हैं? बोले नीतीश कुमार ऐसे बयानों से तेजस्वी यादव को मदद कर रहे हैं, और मैंने उन्हें ये भी कहा कि इन किन सीटों पर इस प्रकार का बयान दिया जा रहा है जहां अधिकतर बीजेपी के उम्मीदवार हैं, यादवों में जहां टूट है, जहां मान लीजिए एक तरह से अशोक यादव मधुबनी, नित्यानंद राय उजियारपुर, ऐसे सीटों पर नीतीश कुमार जानबूझ के हाजीपुर, हाजीपुर में भी उन्होंने बयान दिया है, और हाजीपुर में राघोपुर में यादव ठीक ठाक है जी। तो ये समझने की जरूरत है, मैं आपके बात से सहमत हूँ, हालांकि राजनीति में कब क्या हो जाए, राजनीति परिस्थितियों का सबसे बड़ा मैथमेटिक्स है, सबसे बड़ा केमिस्ट्री है, कब क्या इक्वेशन बन जाए, कब क्या केमिकल रिएक्शन हो जाए, पॉलिटिकली केमिकल रिएक्शन हो जाए, कोई नहीं कर सकता है दावे के साथ। ऋषि जी ये सुनते लीजिए, मैं एक इंटरेस्टिंग की बात कर रहा हूँ, आज अमित शाह नरेंद्र मोदी के सबसे वफादार दिख रहे हैं, आज नरेंद्र मोदी के सबसे वफादार नीतीश अमित शाह लग रहे हैं, हो सकता है कि अमित शाह कल तख्ता पलट करके नरेंद्र मोदी को रिप्लेस कर दे, और कई ऐसे एग्जाम्पल हैं, बिहार में रंजन यादव और लालू यादव की छुपा हुआ नहीं था, रंजन यादव एक तरह से सुपर सीएम थे, मुझे याद है मैं बहुत छोटा था मुजफ्फरपुर में जब रंजन यादव आए थे तो उनके उनको स्कॉट करने के लिए जिलाधिकारी मुजफ्फरपुर, जिलाधिकारी मुजफ्फरपुर, पुलिस अधीक्षक उनके काफिले के साथ थे, ये रुतबा था, और यदि कोई वो लालू यादव क्या जी जी नहीं, और सुन तो लीजिए, और यदि तख्ता पलट की किसी ने खेल करना चाहा तो रंजन यादव नहीं किया, चंद्रबाबू नायडू ने किसके किसको तख्ता पलट करके सीएम बने, अपने ससुर को, अपने फादर इन लॉ का, एंटी रामाराव का, तो इतिहास रहा है राजनीति में कब। और मैं ये कह रहा हूँ कि जो जॉब जो सबसे बड़ा होता है वही संभावना बनती है, तो ये राजनीतिक परिस्थितियों का खेल है, आज अमित शाह नरेंद्र मोदी के साथ है, कल हो सकता है। अरे भैया अरे आप हमें मत फंसाइए, मैं छोटा पत्रकार हूँ भैया, मैं मुझे इसी क्वेश्चन मत फंसाइए, मैं राजनीतिक परिस्थितियों का खेल है। आप देखिए स्वाति मालीवाल, स्वाति मालीवाल एनसीडब्ल्यू की अध्यक्ष थी दिल्ली स्टेट की, और राज्यसभा किसको भेजा जाता है, पार्टी जो बहुत करीब हो, पार्टी के लिए महत्वपूर्ण हो, और आज क्या इसकी क्वेश्चन है, ऐसा कहा जा रहा है कि स्वाति मालीवाल बीजेपी के गोल में खेल रही है, बीजेपी के इशारे पे काम कर रही है, तो राजनीति में जहां वफादारी है वही गद्दारी है। समझने की बहुत कोशिश कीजिए। आखिरी सीट की भी चर्चा कर लेते हैं, रोहिणी आचार्य महिला वोटर्स के हाथ में चाबी है, महिला वोटर किधर है, सहानुभूति किधर जा रही है, राजीव प्रताप रूढ़ी पायलट है, प्लेन चला लेते हैं, लेकिन राजीव प्रताप रूढ़ी के सामने रोहिणी आचार्य के लिए लालू यादव बैठे हुए हैं। कल उन्होंने बयान दिया है लालू यादव ने, जब पत्रकारों ने पूछा उनसे, उन्होंने कहा है कि नरेंद्र मोदी अब खत्म हो गए हैं, राजनीतिक रूप से खत्म हो गए हैं। देखिए कल मैं शाम में ये डिक्लेयर कर दूंगा कि हाजीपुर से कौन लगेगा, तो सारण से कौन चुनाव जीतेगा, कल आप मुझे 12-13 घंटे का समय दीजिए, वोटिंग परसेंटेज के आधार पर मैं बता दूंगा कि रोहिणी आचार्य चुनाव कितने मार्जिन चुनाव जीत रही है, और अभी के स्थिति में रोहिणी आचार्य लीड में है। राजीव प्रताप रूढ़ी के लिए परेशानी का सबब यह है कि मतदाता मालिकों को कैसे अपने घर से बूथ तक ले जाएंगे, कार्यकर्ता उस प्रकार से लगते हैं नहीं लगते हैं, और सामाजिक समीकरण भी मुझे लगता है एक तरफ से रोहिणी आचार्य के पक्ष में है। मैंने कल भी कहा एम फैक्टर MY में एक और एम जोड़ दीजिए तो उसको कर दीजिए M²Y। अब मोदी जी वाला A+B का होल स्क्वायर मत समझ लीजिएगा, 2AB कहां से आएगा ये मत पूछिएगा हमसे, M²Y समझिए, महिला फैक्टर बहुत बड़ा ये काम कर रहा है वहां, जो एक इमोशनल फैक्टर है रोहिणी आचार्य के लिए, जिस प्रकार से अपने पिता के लिए उन्होंने किडनी दान की, आज के कलयुग में पुत्र जो है पिता को एक गिलास पानी तक नहीं पूछते हैं,
उस कलयुग में उस पुत्री ने अपनी जान की परवाह किए बिना किडनी तक दान कर दी, तो आप समझ सकते हैं उस प्रत्याशी के लिए, उस बेटी के लिए अपने घर में क्या इमोशन होगा। आप म्यूट हैं। छपरा नरेंद्र मोदी के जाने का कार्यक्रम नहीं बना, क्या छपरा जाकर रोहिणी आचार्य पर कुछ बोलना पड़ता है इसलिए नरेंद्र मोदी ने अपने आप को दूर कर लिया? नहीं सर, मैं करेक्ट हूँ, तो छपरा गए थे ना नरेंद्र मोदी जिस दिन मुजफ्फरपुर प्रोग्राम था, मुजफ्फरपुर हाजीपुर और छपरा गए थे नरेंद्र मोदी, और उन्होंने और रूडी के लिए उन्होंने वोट भी मांगा था, और नीतीश कुमार ने तो एक लाल गमछा भी उनको ओढ़ाया था और ऐसे गमछा पकड़ के कहे थे कि ये बहुत तेज है। लाल गमछा उड़ाए थे या लाल निशान दिखा दिए थे कि अब आप गए? लाल गमछा ऐसे पकड़ गर्दन में लगा के ऐसे हिला के बोले ये तो बहुत तेज है, बहुत विद्वान आदमी है। तो राजीव प्रताप रूडी हाई प्रोफाइल नेता है, यदि कार्यकर्ताओं में उस प्रकार की बॉन्डिंग नहीं रही, मतदाताओं में उस प्रकार की बॉन्डिंग नहीं रही, और कई ऐसे फुटेज आए हैं जिससे वो जनता उनसे नाराजगी प्रकट करते हुए, आपने भी देखा होगा, हमने भी देखा होगा, तो ये एक समस्या है राजीव प्रताप रूडी के लिए। जी जी, ये बात आपने की पांचवे चरण की, छठे चरण की एक सीट की चर्चा जरूरी हो जाती है, बाकी तो हम आगे करते रहेंगे। सिवहर की सीट पर लवली आनंद बनाम ऋतु जायसवाल का मुकाबला बेहद दिलचस्प होता जा रहा है, बहुत दिलचस्प होता जा रहा है। आप उम्मीद नहीं कर सकते कि मुकाबला कहां तक, गली मोहल्ले घर घर के अंदर तक मुकाबला वहां पहुंच चुका है। उस चुनावी मुकाबले को जहां जनता दल यूनाइटेड, मुझे लग रहा है कि सबसे अब तक जहां चुनाव हुए हैं या होने वाले हैं, आगे का मैं जहानाबाद उसके आगे है, सातवें फेज में है, छठे चरण तक जनता दल यूनाइटेड को सबसे सॉलिड कहीं चैलेंज मिल रहा है। मैं किशनगंज की बात नहीं कर रहा, वो जीती हुई सीट उनकी पिछली बार भी नहीं थी, लेकिन जीती हुई सीटों में या जो दूसरी सीट है अदर देन किशनगंज, वहां पर कोई सबसे बड़ा चैलेंज एनडीए के अंदर जेडीयू को मिल रहा है वो सिवहर है। बड़ा दिलचस्प नजारा है। एक तरफ है कि चित्तौड़गढ़ कही जाने वाली सीट पर चित्तौड़गढ़ की वापसी करा देनी है, दूसरी तरफ है कि सबसे ज्यादा संख्या तेली की है तो बार बार जायसवाल को टिकट क्यों मिलता है कलवार को, तीसरी तरफ है ठाकुर का कुआं बीच में आ जाता है मनोज झा वाला विवाद, चौथी तरफ मुद्दा है कि नीतीश कुमार के अति पिछड़ा वोट बैंक का सवाल है, पांचवी तरफ मुद्दा है कि रोजी रोजगार का सवाल है, छठी तरफ मुद्दा जाकर के खड़ा हो जाता है कि नरेंद्र तेली समाज अंततः नरेंद्र मोदी को देखे या वैश्य एकता को देखे। इतने अभिषेक जी, रिक्वेस्ट करूंगा कि प्रोग्राम को दो तीन मिनट पे खत्म कर ले क्योंकि मुझे अगले चैनल पे लाइव होना है। तो मैं सिवहर के लिए बताऊं कि वैश्य मतदाता यहाँ निर्णायक पोजीशन में है, वैश्य का झुकाव यदि आनंद मोहन के प्रति रहता है ऐसा देखने को भी मिल रहा है, वैश्य में ठीक ठाक तबका आनंद मोहन लवली आनंद के प्रति उनका झुकाव है, लेकिन एक तबका जो है वो ऋतु जसपाल के प्रति भी उनका झुकाव है। सवाल उठता है कि ऋतु जसपाल कितना डेंट करती है, कितना वैश्य समाज का प्यार आशीर्वाद ऋतु जसपाल को मिलता है, उस पे ऋतु जसपाल के पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव डिपेंड करते हैं। और आनंद मोहन ने और आनंद सुन लीजिए ना, जी जी जो बोली जल्दी बोलिए। पूरे देश में बिहार के बाहर चर्चा है कि बिहार का चुनाव दरअसल नरेंद्र मोदी बनाम तेजस्वी यादव हो रहा है, नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार बनाम तेजस्वी यादव मुकेश सहनी हो रहा है, राहुल गांधी ज्यादातर आ नहीं रहे हैं, एक आध जगह गए थे। सिवहर में दिख रहा है कि ये चुनाव नीतीश कुमार बनाम ऋतु जायसवाल हो रहा है, नरेंद्र मोदी बनाम ऋतु जायसवाल हो रहा है सिवहर में। तेजस्वी यादव के बारे में कहा जा रहा है कि अगर वो सिवहर में ज्यादा घुसेंगे तो फायदा आनंद मोहन को होगा, सिवहर कम से कम जाएंगे तो फायदा ऋतु जायसवाल को होगा, क्या है मामला? ये बात बिल्कुल सही है कि जाएंगे कि वैश्य मतदाता वहां 3-4.5 लाख पौने 4 लाख के आसपास, तो ऋतु जायसवाल देखिए यादव समाज या MY है ऐसे ही इंटैक्ट है ऋतु जायसवाल के साथ, वहां मेहनत करने की जरूरत नहीं है, मेहनत करने की जरूरत है वैश्य समाज को अपनी तरफ लाने। यदि तेजस्वी यादव जाएंगे तो उससे उतना प्रभाव नहीं पड़ेगा जितना प्रभाव ऋतु जायसवाल यदि अपने अप्रोच से उनके पति जो हैं या उनकी खुद की इमेज बहुत ही पॉजिटिव है। ऋतु जायसवाल जब मुखिया थी तो उनके कार्यों को आपने भी देखा होगा, वहां के लोगों भी नहीं देखा होगा, मुझे आश्चर्य लगता था कि महिला होते हुए भी इतना कमर से ऊपर इतना पानी में
मतलब इतना था पानी में, मतलब खुद गांव गांव जाके वो लोगों को सहायता पहुंचाती थी, तो उनका एक इमेज सकारात्मकता है। उसी तरह पहली लवली आनंद आनंद मोहन की बात करें तो मजबूत नेता है, पूरे बिहार में उनका इम्पैक्ट है, लेकिन आनंद मोहन ने अपने बयानों से, अपने कुछ ऐसे उन्होंने डेवलपमेंट जो डेवलपमेंट हुए सीबर में, उससे एक तबका को उन्होंने नाराज किया। हालांकि पवन जसपाल अब उनके साथ हैं, लाल बाबू गुप्ता भी उनके साथ हैं, अब कितना मन से साथ हैं, दिल से साथ हैं ये देखना होगा, लेकिन आनंद मोहन के बयानों ने जरूर उनको नुकसान पहुंचाया है। लेकिन स्थिति ऐसी नहीं है कि एक तरफा चुनाव है, लड़ाई कांटे की है, यहाँ भी हार जीत जो है 30-40 हजार 50 हजार के बीच में ही होगा, 50 हजार के नीचे ही होगा। छोटा सा सवाल इसमें दे दीजिए मुझे, शिवहर के अल्पसंख्यक वर्ग के लोगों से बात हुई है, वो किधर वोट दे रहे हैं इस पर चर्चा तो उचित नहीं है, किसी की वोटिंग आइडेंटिटी को रिवील नहीं करना चाहिए। जिस व्यक्ति से मेरी बात हुई उन्होंने कहा कि देखिए रितु जायसवाल जीत कर भी भारतीय जनता पार्टी में भाग सकती है। देखिए ऐसा मुझे नहीं लगता है, मुझे कुछ भी हो जाए, आनंद मोहन की जमानत जब्त हो जाए, लवली आनंद की कुछ हो जाए, वो भाजपा के सहयोगी दल का हिस्सा तो बन सकते हैं, क्योंकि आनंद मोहन की वैचारिक पृष्ठभूमि इस ढंग से रही है और इस ढंग से उनकी अपब्रिंगिंग है उनकी या लवली आनंद की, कि वो भारतीय जनता पार्टी का हिस्सा कमल कभी देखिए देखिए ऐसा नहीं कर सकते। राजनीति में कोई इसकी गारंटी नहीं ले सकता है, राजनीति में कोई इसकी गारंटी नहीं ले सकता है। अब बताइए अशोक चौहान जो मुख्यमंत्री जिनको बनाया, बड़े बड़े नेता जो है वो घर चले गए, और लवली आनंद किस पार्टी में नहीं रही है, हम में रही है, कांग्रेस में रही है, सपा में रही है, भाजपा छोड़ के, तो राजनीति में कब परिस्थिति क्या हो जाए। आप उम्मीद करते थे कि बीजेपी के कार्यकर्ता जो हैं सिवान में हिना साहब के लिए प्रचार करेंगे, तो राजनीति में कब क्या। मैं आपके पास अभी सहमत हूँ, आनंद मोहन का अपना एक समाजवादी सोच है, शुरू से वो जेपी आंदोलन से निकले हुए नेता, मैं आपके पास से भी सहमत, वो सीपीआई में भी जा सकते हैं लेकिन भाजपा नहीं जा सकते, इस बात को हर लोगों का अपना अपना विचार है, लेकिन मुझे मुझे लेकिन लेकिन मुझे लगता है कि माइनॉरिटी का झुकाव जो है मुझे लगता है रितु जसपाल के प्रति रहेगा, तो हो सकता है 10-15% 20% कहीं जेंट कर जाए। आनंद मोहन का भी अब कई टर्म से आनंद मोहन सांसद रहे हैं, उनकी पत्नी सांसद रही है, बड़ा प्रभाव रहा है, तो हो सकता है, लेकिन चुनाव अगला बनाम पिछड़ा हुआ तो फिर आनंद मोहन फंस सकते हैं, ये भी ध्यान रख लीजिएगा। जिस प्रकार से रितु जसपाल डीएम गोपालगंज के तत्कालीन डीएम के हत्या के मुद्दा को उठा रहे हैं कि दलित आईएएस अधिकारी की किस प्रकार से हत्या कर दिया गया। दूसरा वो चुनाव की तुलना करती है कि एक आईएएस बनाने वाले शिक्षक की पत्नी हूं मैं और एक आईएएस के मर्डर करने वाले आरोपित की पत्नी है, तो दोनों में किनको चुनना है वहां की जनता डिसाइड करे। तो रितु जसपाल तेज नेत्री है, वो ऐसे आप उनको हल्के में नहीं ले सकते, लेकिन आपके बात से भी लेकिन हम आपके बात से भी सहमत हैं, आपके बात से भी सहमत। एक बात मेरे दर्शकों को बता दीजिए, आप मुजफ्फरपुर शहर से हैं, क्या मुजफ्फरपुर शहर में, देखिए कोर्ट के निर्णय अपनी जगह है, जांच अपनी जगह है, क्या मुजफ्फरपुर शहर में किसी भी जाति समुदाय का व्यक्ति को ये मानने के लिए तैयार होता है कि आनंद मोहन कृष्णैया हत्याकांड में साजिश में शामिल रहे या उस जगह पर थे भी। मैं मानता हूँ मैं वहां पे था नहीं और मैं उस समय बहुत छोटा रहा हूंगा, लेकिन जो इमेज एक बार बन जाती है, आनंद मोहन नहीं थे, बिल्कुल सही, आनंद मोहन घटना स्थल के आसपास भी नहीं थे, वो शायद हाजीपुर थे उस समय जी, लेकिन जो एक इमेज जो बन जाती है, अब राहुल गांधी ने बयान दिया था आलू सोना वाला बयान, अब बड़े बड़े विद्वान पढ़े लिखे जो पत्रकार है वो भी कहते नहीं नहीं दिया था बयान, आलू सोना विकल्प क्या है, राहुल गांधी तो आलू सोना बोलते हैं, तो एक बार जो इमेज बन जाती है, राहुल गांधी के इमेज कैसे है मैं आपको थोड़ा लाइटर मूड में बताता हूँ, कांग्रेसी जो होंगे बुरा नहीं मानेंगे, कि राहुल गांधी मैगी खा रहे हैं, दोनों टांग खड़ा करके पोगो देख रहे हैं, ऐसा इमेज उनका बना दिया गया है। हमारे घर में जो नॉन पॉलिटिकल आदमी वो भी कहते हैं ऑप्शन क्या है, तो जो एक इमेज बना दिया जाता है उस पर आपको वर्कआउट करना होगा इमेज। और आनंद और आनंद मोहन देखिए आनंद मोहन आप सुन तो लीजिए, आप एक बात तो सुन लीजिए, अब से जी आनंद मोहन बहुत मजे हुए नेता है, लेकिन तब जब वो 95-90 की राजनीति करते थे और अब की राजनीति में अंतर है, जिस प्रकार से वो एग्रेसिव अप्रोच अपनाते हैं वो गलत है, कि मैं फन्ना यहाँ वोट मांगने नहीं जाऊंगा, उसके यहाँ वोट नहीं मांगने जाऊंगा, मैं ये हूँ, ये राजनीति में नहीं चलती है। आप नाक दिखाइएगा किसी को, दो नाक छटक देगा,
यहाँ की राजनीति ऐसी है कि आप आन बान शान दिखाइएगा तो आन बान शान वाले नेता नहीं चुनाव जीत सकते। आनंद मोहन का वो बयान लवली आनंद के चुनाव पर भारी पड़ सकता है, इस बात को सार्वजनिक तौर पर स्वीकार करना चाहिए, लेकिन सवाल ये भी है कि दो महिलाओं की देखिए देखिए नेता होना चाहिए, सुन लीजिए, नेता होना चाहिए रघुवंश बाबू की तरह। मुझे याद है एक प्रोग्राम में मैं गया था, मथुरा बाबू की जयंती थी मुजफ्फरपुर में, और एक लिए गरीब आदमी उनको पकड़ के कि ना हमरा तोरे गाड़ी जरे जाए के है, तोरे गाड़ी पे बैठ के जाए के है। वो रघुवंश बाबू बोले हमरा तो पटना निकले के है, नहीं हम तोरे गाड़ी पे जाए। तो आनंद मोहन भाई लवली आनंद क्या कहते हैं, रघुवंश बाबू ने क्या किया, रिक्शा मंगवाया, रिक्शा वालों को 100 रुपया जेब में उन्होंने रिक्शा वालों को दिया, कहा कि बाबूजी जहां जाएंगे उनको छोड़ दीजिए। तो नेता ऐसा चाहिए, नाक दिखाने वाला नेता नहीं चाहिए, आन बान शान दिखाने वाला नेता नहीं चाहिए। लेकिन इस लोकतंत्र का दुर्भाग्य है कि रघुवंश बाबू को इसी वैशाली की जनता ने 2 बार हराया, और जिसने हराया वो रघुवंश बाबू के आसपास कहीं नहीं टिकते थे। ये दुख है, ये मुझे भी दुख है, भी है, लोकतंत्र की खूबसूरती भी है, और जीत और हार लोकतंत्र में चलती रहती है, और इस जीत और हार में पांचवें चरण में क्या होगा यह आने वाला वक्त बताएगा। और ऋषि मिश्रा जी के इलाके में चुनाव हो रहा है पांचवा चरण का, तो ऋषि मिश्रा जी का विश्लेषण पांचवें चरण का। अब मैं जनता जनार्दन से निवेदन करता हूँ, दिल खोल के मत कीजिए, मतदान में भाग लीजिए, ये लोकतंत्र में सबसे बड़ा हथियार है, लोकतंत्र में भागीदारी आपकी बनी रहे, दिल खोल के मत कीजिए, अधिक से अधिक मतदान कीजिए। बिल्कुल सही बात है, सभी चरण के मतदाताओं से हमारी अपील है कि वो मतदान में हिस्सा जरूर ले, जिसे वोट देना है वोट दे, नई सरकार और एक दमदार सरकार और एक दमदार विपक्ष, इस दोनों को चुनने में लोकतंत्र में मतदाताओं को अपनी भूमिका निभानी चाहिए। बिल्कुल ऋषि मिश्रा वाला जज्बा होना चाहिए, ऋषि मिश्रा जी के जज्बे को सलाम करना होगा कि आज के दौर में अपना खर्च करके कम से कम लोकतंत्र में अपने मताधिकार का प्रयोग करने ये दिल्ली से मुजफ्फरपुर पहुंच गए, और मुजफ्फरपुर से जिसे ये चुनेंगे सत्ता पक्ष में बैठे या विपक्ष में बैठे वो दिल्ली पहुंच जाएगा। लेकिन उनसे पहले ऋषि मिश्रा जी 4 जून को, 4 जून से पहले ये दिल्ली पहुंच जाएंगे, 4 जून को अलग अलग गोदी मीडिया से लेकर सोशल मीडिया तक जगह भी देंगे। आज इस बेहद सार्थक चर्चा के लिए, ग्राउंड जीरो से हुई चर्चा के लिए बहुत बहुत धन्यवाद ऋषि जी आपका, नमस्कार।